हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस और आज हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओएम तो ओएम में हमारा पहला टॉपिक आता है कंटीन्यूस प्रोडक्शन का कंटीन्यूस प्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नॉन स्टॉप ऑपरेशन तो कंटीन्यूस प्रोडक्शन में जो है नॉन स्टॉप प्रोडक्शन चलता रहता है प्रोडक्शन कभी भी रुकता नहीं है ये प्रोडक्शन जो है ये कंटीन्यूसली चलता ही रहता है और कोई भी इंटरप्शन के बिना कोई भी इसमें इंटरप्शन नहीं आता है और टिपिकली ये चौबीस घंटे चलता रहता है एक दिन में और हफ्ते के सातों दिन भी ये प्रोडक्शन जो है कंटीन्यूसली चलता रहता है सेकंड पॉइंट आता है हाई वॉल्यूम आउटपुट तो इसमें जो आउटपुट होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन में जो आउटपुट होता है वो बहुत मास में प्रोडक्शन होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है उसके स्टैंडर्ड जो हैं सेट कर दिए जाते हैं और सारे प्रोडक्ट जो हैं उसी स्टैंडर्ड से बनाए जाते हैं सेम स्टैंडर्ड से और एक स्टडी रेट पे ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं थर्ड पॉइंट आता है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट तो तो ये तो जितना भी इसमें मशीनरी यूज होती है कंटीन्यूस प्रोडक्शन में वो ऑटोमेटेड मशीनरी होती है और स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है जो कि एफिशिएंट काम करती है जो कि एफिशिएंटली कंटीन्यूस प्रोडक्शन या कंटीन्यूस ऑपरेशन करती है फोर्थ पॉइंट आता है इसमें स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोसेस तो इसमें जो प्रोसेस है प्रोडक्ट को बनाने की वो एक स्टैंडर्डाइज होती है यानी कि एक फ़िक्स प्रोसेस होती है जिसमें कि जो इसमें कि स्टैंडर्ड जो है प्रोसीजर इसमें प्रोसीजर के जो स्टैंडर्ड हैं वो सेट किए जाते हैं और वर्क फ्लो <coughs> वर्क फ्लो को एस्टेब्लिश किया जाता है और इससे इंश्योर किया जाता है कि एक कंसिस्टेंट आउटपुट मिले फिफ्थ पॉइंट आता है सीक्वेंशियल फ्लो तो सीक्वेंशल फ्लो जो होते हैं ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीक्वेंशली मूव करते हैं बहुत सारी स्टेज़स से होके ये गुजरते हैं प्रोडक्शन की और ये इसमें जो इस्टेज से गुज़रते हैं तो इन स्टेज़ में कोई भी स्टॉपिंग नहीं होती है कंटिन्यूसली एक स्टेज होती है सीक्वेंस में एक स्टेज होती है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एडवांटेजेस ऑफ कंटीन्यूस प्रोडक्शन तो पहला एडवांटेज है इकनॉमिज़ ऑफ स्केल तो फर्स्ट फ़र्स्ट इसमें मेरिट है इसमें फर्स्ट मेरिट uh, है या एडवांटेज है कि कम, जो कंपनी है वो इकनॉमीज़ ऑफ़ स्केल अचीव करती है क्योंकि जब ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि बहुत सारी बहुत बड़ी वॉल्यूम में जो है प्रोडक्शन होता है जिससे कि एफिशिएंट यूज़ होता है रिसोर्सेज का अब हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है हाई एफिशिएंसी तो ये मिनिमाइज़ करती है आइडियल टाइम को कंटिन्यूस प्रोडक्शन और मैक्सिमाइज करती है यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करती है यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड लेबर को ये मैक्सिमाइज करती है कि लेबर और इक्विपमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ कर सकते हैं थर्ड आता है कंसिस्टेंट क्वालिटी तो इसमें इंश्योर जो जो कंटीन्यूस प्रोडक्शन है वो इंश्योर करती है यूनिफॉर्मिटी और क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की जो है इंश्योर किया जाता है और स्टैंडर्डाइज एक प्रोसेस बनाई जाती है जिससे कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जा सके प्रोडक्शन की अब हमारा फोर्थ एडवांटेज आता है रिड्यूस्ड यूनिट कॉस्ट तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है क्योंकि जो कंटीन्यूस प्रोडक्शन है इसमें एक स्ट्रीम लाइन प्रोसेस यूज़ की जाती है यानी कि एक सीक्वेंस में एक लाइन में लगा हुआ होता है प्रोडक्शन की सीरीज़ और जो इसमें और इसमें बल्क परचेजिंग पावर की जा इसमें बल्क परचेजिंग की जाती है रॉ मटेरियल की अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है इंक्रीज्ड आउटपुट तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये बताता है कि इसमें जो इसमें कंटीन्यूस प्रोडक्शन में जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि इसमें लार्ज क्वांटिटीज में जो है प्रोडक्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड को एफिशिएंटली पूरा करता है अब हम पढ़ते हैं हमारे डिसएडवांटेज कंटीन्यूस प्रोडक्शन के तो कंटीन्यूस प्रोडक्शन का फ़र्स्ट डिसएडवांटेज है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो इसमें बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें जो भी मशीनरी होती है वो स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है और वो स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर uh, या मशीनरी होती है जिससे कि प्रोडक्शन किया जाता है सेकेंड डी मेरिट आती है लिमिटेड फ्लैक्सीबिलिटी तो जो कंटीन्यूस प्रोडक्शन है ये बहुत ही uh, कम फ्लेक्सिबल होता है और ये अडेप्टेबल बहुत कम होता है सडन चेंजेस सडन चेंजेस से ये अडेप्टेबल adapt, बहुत कम होता है और इसमें जो है कस्टमाइजेशन डिमांड पे भी प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते कस्टमर की डिमांड पे प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते थर्ड हमारी डीमेरिट आती है कि रिस्क ऑफ इक्विपमेंट फेलियर अगर अगर जो इक्विपमेंट है उसका ब्रेकडाउन या माल फंक्शन हो जाता है तो कम, पूरे के पूरे अगर किसी एक भी ए, मशीनरी का ब्रेकडाउन या फिर माल फंक्शन हो जाता है तो पूरे के पूरे प्रोडक्शन को ही रोक दिया जाता है जिस और इसमें क्या है इमीडिएट मेंटेनेंस बना के चलना पड़ता है कॉरपोरेशन को फोर्थ पॉइंट आता है स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्योंकि स्टोरेज रिक्वायरमेंट तो स्टोरेज रिक्वायरमेंट में क्या है कि कंटिनुसली प्रोडक्शन होता रहता है जिससे कि बहुत बड़ी लार्ज इन्वेंट्री स्टोरेज करने की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और इसे मैनेज करना पड़ता है फर्म को बहुत लार्ज इन्वेंट्री स्टोरेज को हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा सब्सटेंशल एनर्जी यूज़ करता है और रिसोर्स यूज़ करता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन किया जाता है कंटिनसली जो है रिसोर्स को इसमें यूज़ किया जाता है जो कि इन्वायरमेंटल कंसर्नस को अराइज़ करती है क्यों, अगर क्योंकि इसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न को ये अराइज़ करती है अगर अगर जो रिसोर्स है उसको सस्टेनेबली मैनेज नहीं किया गया है तो अब इसका एक इंडस्ट्री एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो इंडस्ट्री एग्ज़ाम्पल है स्टील मैन्युफैक्चरिंग तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जो है कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा होगा कि ब्लास्ट फर्नेसिस जो होती हैं उनकी भट्टियाँ जो होती हैं और रोलिंग मिल जो होती हैं ये कभी भी रुकती नहीं है ये ट्वेंटी फोर आवर सेवन डेज ऑफ वीक काम करती रहती हैं और ये जो इसकी वजह से इन्हें और स्टील इंडस्ट्री में और एक बार अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो ये कंटीन्यूसली स्टील को प्रोड्यूस करती रहती है लार्ज क्वांटिटी में और इसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और ऑटोमेटेड सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो है स्मूथली रन करे बिना कोई इंटरप्शन के और ऑप्टिमाइज़ करें एफिशिएंसी और आउटपुट को अब इसमें कंक्लूजन ये है कि कंटीन्यूस प्रोडक्शन की बहुत सारी एडवांटेज हैं जैसे कि इंडस्ट्री जिनको हाई वॉल्यूम और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है बेचना होता है तो उनके लिए ये कंटिन्यूस ये प्रोडक्शन बहुत बहुत क्या कहते हैं बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है उनके ऊपर और इसमें बहुत सारी केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है मेंटेनेंस देखना पड़ता है मशीनरी का और मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका रिसोर्सेस हैं और जो इक्विपमेंट है उनका यूज़ जो है इफ़ेक्टिवली हो रहा है या नहीं अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू